हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है, मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूँ। आप सब लोगों को लग रहा होगा कि मैं शुरुआत में क्या कर रहा था। आप सब लोगों में से कुछ लोगों ने अनुभव किया होगा कि स्पीच देते समय हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, और आज भी हमें बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं और लोग कहते हैं कि स्पीच देते समय हमारे हार्ट बीट तेज हो जाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्पीच देने से पहले हमारे हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, तो इस समय क्या करें। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पीच के समय आपके हार्ट बीट्स अगर तेज हो जाते हैं, अगर आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। मैं आपको तीन टिप्स दूंगा कि जिन तीनों टिप्स को फॉलो करके या फिर तीन में से कोई भी टिप को फॉलो करके स्पीच देते समय आप अपनी तेज धड़कने जो है उसके ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। जो तीन टिप्स है उसमें से सबसे पहली टिप है कि नोट्स को देखिए और पढ़िए। अब मैं आपको जो है वो एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा। जैसे कि नोट्स जो है वो हमारी होती है, जब भी आपको स्पीच देते समय कुछ याद ना आ रहा हो, आप कुछ भूल गए हो, तो उस समय आप नोट्स को देखकर उसके जो पॉइंट्स है उसे पढ़कर अपनी स्पीच को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि स्पीच के समय अगर नोट्स को खोलते हैं तो ये अच्छी चीज नहीं कहलाती है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, क्या आप अपनी स्पीच को अधूरा छोड़कर अपनी सीट के ऊपर बैठना चाहते हैं, या फिर आप अपनी स्पीच को कंप्लीट करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स क्या आप अपनी स्पीच को कंप्लीट करना चाहते हैं। इसलिए जब भी आपको कुछ याद ना आ रहा हो तो उस समय नोट्स को देखकर उसके पॉइंट्स को पढ़कर अपनी स्पीच को कंटिन्यू करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अगर एक या दो पॉइंट भूल जाए तब भी स्पीच की नोट्स को ओपन कर लें, तो आप अगर स्पीच की नोट्स को ओपन नहीं करते तो भी चलेगा। लेकिन आप अगर नए स्पीकर है, आप स्पीच जो है वो रेयरली देते हैं और आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आप ब्लैंक हो गए। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि मैं स्पीच देते समय ब्लैंक हो जाता हूं, तो उसी तरह से अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नोट्स में देखकर पॉइंट्स को पढ़कर अपनी स्पीच को कंटिन्यू कीजिए। नोट्स में से देखना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, जो महानुभाव होते हैं, वो भी नोट्स में से देखकर कभी कभार स्पीच देते हैं। तो नोट्स में देखकर स्पीच दे सकते हैं, हाँ उसको पढ़ना नहीं है, स्पीच देनी है। लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं है, हमें हमारी स्पीच देनी है। तो इसलिए कभी भी आप अपने नोट्स को ओपन करके स्पीच दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पहला पॉइंट जो है उसे याद रखिएगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहने के लिए है। ये इसके लिए डिस्कशन भी बहुत हो सकती है, लेकिन सिंपली मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर पोडियम है तो पोडियम के ऊपर आप अगर नोट्स को रखेंगे तो लोगों को दिखेगी भी नहीं। लेकिन पोडियम नहीं है, पोडियम को मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेक्टर्न भी कहा जाता है, तो उसे लेक्टर्न कहिएगा, ये सही शब्द है। तो लेक्टर्न के ऊपर रखेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लेक्टर्न नहीं है, आप सिर्फ वहां पर खड़े हैं, आपके सपोर्ट के लिए आगे कुछ भी नहीं है, तो उस समय भी आप सिंपली एक बार देख सकते हैं पॉइंट्स को और फिर अपनी स्पीच को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज है, पहली टिप है। दूसरी जो टिप है वो है कि लोगों को कोई सिंपल सी स्टोरी कहिए। अब मान लीजिए कि आपकी 5 मिनट की या 10 मिनट की स्पीच है, तो वो स्पीच के समय को तो हम पूरा करेंगे ना। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि 1 मिनट या 2 मिनट अप डाउन होता है तो ये चलता है, लेकिन उतना भी समय हमें पूरा तो करना ही है। अब अगर हमें कुछ याद नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हम एक सिंपल सी स्टोरी कह सकते हैं, हमारे टॉपिक के रिलेटेड। ये याद रखना है, हाँ, हमारे टॉपिक के रिलेटेड स्टोरी होनी चाहिए। मान लीजिए कि समाज के अंदर जो है वो आपको स्पीच देने की जरूरत पड़ती है, तो समाज के अंदर कोई एक व्यक्ति की जिसने कोई अच्छा काम किया हुआ होता है हमारे समाज में या किसी और समाज में, उसको एग्जाम्पल लेके एक स्टोरी आप लोगों को कह सकते हैं, जिससे लोगों को ये भी पता चले कि कौन सी प्रक्रिया को जो है वो फॉलो किया गया है, किस पर्टिकुलर बात के लिए जो है वो स्टोरी कही जा रही है। तो आप स्टोरी कह सकते हैं, जैसे कि कोई एक व्यक्ति जो है उसने अपने समाज के लिए जो है वो एक प्रोजेक्ट को शुरू किया था कि हेल्थ चेकअप कैंप, और ये हेल्थ चेकअप कैंप के अंदर जो है वो समाज के बहुत सारे लोग जो है वो आए हुए थे, उनके ये चेकअप किए गए थे, उनसे समाज के लोगों को ये फायदे हुए थे, समाज के लोगों ने ये फीडबैक दिया था। तो इस तरह से जो है वो लोगों को कोई एग्जाम्पल देके स्टोरी के माध्यम से अपनी स्पीच में ये चीज को इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि उतना समय जो है वो आपकी स्पीच का कम होता जाए।
तो ये याद रखना है, मान लीजिए कि आप क्लब के अंदर जो इनफॉर्मल फंक्शंस होते हैं वहां पर आप स्पीच देते हैं, तो वहां पर क्लब के लिए जो है वो कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है कि जिसने बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो क्लब के अंदर करवाई है ये पूरे साल के अंदर, तो आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं ताकि एक स्टोरी आप कह सके, लोगों को इंस्पिरेशन मिले, लोगों के माइंड में कुछ आइडियाज आए, और मेन चीज जो है वो है आपकी स्पीच का समय जो है वो कम हो सके। तो ये चीजों को याद रखना है कि आपके टॉपिक के रिलेटेड स्टोरी जो है वो आपको लोगों को कहनी है, ये दूसरी टिप है। और मैंने ये देखा भी है दोस्तों कि लोग कुछ ऐसे स्मार्ट होते हैं, स्मार्ट लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो लोग अपनी स्पीच को पूरी करने के लिए ऐसी एक स्टोरी कहते हैं, 2-3 मिनट तक स्टोरी कहे ही जाते हैं, अपनी स्पीच को पूरी कर देते हैं। मैं मानता हूं ये जो चीज है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, लेकिन अपने आप को तैयार करने के लिए, जब आप बिगिनर होते हैं, अपने आप को तैयार करने के लिए, स्पीच देने के लायक बनने के लिए आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ताकि एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ सके और धीरे धीरे आप ग्रो करके बेहतरीन स्पीच दे सके। ये दूसरी टिप हुई। तीसरी और आखिरी टिप देने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे सारे पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस की लिंक पाना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपका व्हाट्सएप नंबर हमें प्रोवाइड कीजिए, हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे पब्लिक स्पीकिंग वीडियोस के लिंक भेजेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए होगी उसके मैसेजेस आपको करेंगे। अभी तक मैंने आपको दो चीजें बताई। सबसे पहली टिप मैंने आपको दी कि नोट्स में से पढ़कर अपनी स्पीच को कंटिन्यू कीजिए। दूसरी टिप मैंने आपको दी कि आपके टॉपिक के रिलेटेड सिंपल सी स्टोरी कहिए। अब जो तीसरी और आखिरी टिप है वो है कि लोगों को हाँ या ना वाला या फिर एक शब्द में जवाब दे सके वैसा सवाल पूछिए। लोगों को अगर हमें ये दिखाना है कि हम हमारी स्पीच को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये जो एक माध्यम है वो बहुत अच्छा माध्यम है कि लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। एक जरा इमेजिनेशन कीजिए कि आप स्पीच दे रहे हैं, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, और अचानक से आप लोगों को जो है वो सवाल पूछते हैं। लोगों को सवाल पूछते तो लोग जो है वो सवाल का जवाब देने में बिजी हो जाते हैं, और आपको जो है वो रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि आपको 30 सेकंड तक अब कुछ भी नहीं बोलना है, आपको 1 मिनट तक कुछ भी नहीं बोलना है, तो आपको कैसा महसूस होगा? डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपको उतना समय नहीं बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपकी स्पीच के ड्यूरेशन में ये मिनट्स काउंट हो रहे हैं। इसलिए लोगों को जो है वो टॉपिक के रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, लोगों को आप हाँ या ना वाला सवाल पूछ सकते हैं, लोग एक ही शब्द के अंदर जवाब दे ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। उदाहरण देता हूं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल कि आप समाज के अंदर जो है वो स्पीच दे रहे हैं, समाज में आप स्पीच दे रहे हैं, तो लोगों को जो है वो आप एक सवाल पूछ सकते हैं जब आपके माइंड में कुछ ना आ रहा। आप कह सकते हैं, आप में से कितने लोग जो है वो मानते हैं कि जो समूह के अंदर शादियां होती है वो शादियों को करने के लिए लोगों को जो है वो बढ़ावा मिलना चाहिए, लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए? कितने लोग मानते हैं? अपना जवाब हाँ में या ना में दीजिए। कितने लोग हाँ में है? तो इससे क्या होगा कि लोग जो है वो अपना ओपिनियन देंगे, कुछ लोग होंगे वो हाँ कहेंगे, कुछ लोग होंगे वो ना कहेंगे। हमारे गुजराती में उसे समूह लग्न कहा जाता है, हिंदी में उसे समूह शादी कहा जाता है। तो इस तरह से लोगों को सामाजिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे वो लोग उस समय उस जवाब देने में बिजी हो और हम जो है वो आराम से उन्हें देखें, रिलैक्स महसूस करें। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लब के अंदर स्पीच दे रहे हैं, इनफॉर्मल फंक्शन है, तो वहां पर आप लोगों को पूछ सकते हैं कि मैं आपके ओपिनियन को जानना चाहता हूं कि जैसे कि इस साल में हमने जो है वो ये एक्टिविटीज की, अगले साल जो है, या फिर आप कभी भी वीडियो देखते हैं तो इस साल में जो है वो कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए, आप अपना ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ट्रैकिंग करनी चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि मूवी दिखाने लेके जाना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि पिकनिक के ऊपर लेके जाना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के जो है वो अलग अलग जवाब होंगे, जिससे आपको तो जवाब मिलेंगे, लोगों को भी अच्छा लगेगा कि उन लोगों को हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट कहां पर है? रिलैक्स महसूस करने में। तो आपको इस समय जो है वो रिलैक्स महसूस होगा, आपको कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप रिलैक्स महसूस करोगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज है उस चीज को भी करना चाहिए, ये टिप को भी फॉलो अप कीजिएगा कि लोगों को सवाल पूछिए हाँ या ना वाला, या सिर्फ एक शब्द में वो लोग जवाब दे सके वैसा सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले और इसकी समरी देने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सके। इस वीडियो की समरी आपको देना चाहूंगा, मैंने आपको 3 टिप्स दी। सबसे पहली टिप दी कि नोट्स को पढ़िए, उसके पॉइंट को देखिए और अपनी स्पीच को कंटिन्यू कीजिए। दूसरी टिप मैंने आपको दी कि लोगों को जो है वो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, लोगों के सामने स्टोरी उनको बताकर हमारे टॉपिक के साथ उसे रिलेट करना चाहिए।
और ये दूसरी टिप थी। तीसरी टिप जो है वो है कि लोगों को हम सिंपल सा सवाल पूछ सकते हैं कि जिसमें हाँ या ना का उत्तर हो या फिर एक शब्द में उनको जवाब देना पड़े वैसा उत्तर हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप कोई भी अपने सजेशंस जो है वो हमें देना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपके सजेशंस दे सकते हैं। आप अगर हमारे वीडियो को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग के रिलेटेड कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको हमारे वर्कशॉप के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।